हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पलाम और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि महक ना अपने ननिहाल आई हुई है और उस ब्लॉग को ना मैंने यहीं पे एंड कर लिया था। अब यहाँ से ना मम्मी लोगों की तैयारी भी होगी है हल्द्वानी जाने के लिए, तो मम्मी लोग ना आज ही यहाँ से हल्द्वानी निकल रहे हैं। और पिछले ब्लॉग में ना मैंने हल्द्वानी जाने का नहीं बोला क्योंकि मैं चाहती थी कि स्पेशली वो ब्लॉग ना महक के ननिहाल जाने का रहे ताकि बाद में ना महक देखे। तो अभी ना महक के दादा दादी पापा और चाचा हल्द्वानी की ओर जा रहे हैं क्योंकि मम्मी का ना वहाँ से ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। तो अभी ना मम्मी की रिपोर्ट वगैरह भी आ गई है और मम्मी को ना कल ही कॉल आया कि आप लोगों को हॉस्पिटल आना है, आपका ऑपरेशन होगा। तो मम्मी का ना इस बार ना हल्द्वानी में ऑपरेशन होने जा रहा है। पिछले बार तो चेकअप के लिए गए थे लेकिन इस बार ना ऑपरेशन। डर रहो नहीं दो किसी डर क्योंकि ना पिछले बार जब चेकअप वगैरह किया तो मम्मी का बीपी हाई आ गया था, वहाँ पे तो 2-3 दिन रुकना पड़ा। समझ लो आने वाला है भैया बोल रहे हैं लो भी आएगा तो मैं तो 5 के आऊंगा। इलाज करना जरूरी है ना। अब मन में सोच लिया है जाना ही है, जब तो वहाँ पे जाके ना डर के भी क्या फायदा, डरना नहीं है ठीक है। यहाँ पे ना मेरे मायके के मम्मी पापा सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद भी ना कुछ दिन वहीं पर रुकना क्योंकि ना टाके वगैरह लगते हैं। हमारे घर पे ना काफी सारी सीढ़ियां हैं, बाथरूम वगैरह आने पे मम्मी को दिक्कत होगी, तो मम्मी कुछ दिन वहीं पर रहना बाद भी मानना ठीक है। और ना मम्मी का ऑपरेशन होने जा रहा है बच्चेदानी का, ट्यूमर का, क्योंकि मम्मी को ना पेट में दर्द वगैरह काफी ज्यादा हो रही थी और जो मंथली पीरियड्स वगैरह होते हैं ना वो महीने भर में मतलब 2-3 बार आ जा रहे थे। तो मम्मी का चेकअप वगैरह तो काफी टाइम से चल रहा था और 2-3 साल से ना दवा भी खा ली लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा था। तो मम्मी ना अब इसको ऑपरेट ही करें, मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि दवाइयाँ वगैरह से सही नहीं हो रहा है ना, तुम्हें ना आगे को दिक्कत होती रहेगी क्योंकि अब ना उम्र भी बढ़ रही है। तो टाइम से ना ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आज मम्मी लोग जा रहे हैं हल्द्वानी। कल परसों में मम्मी का वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा और उसके बाद कुछ दिन वहीं पर रुकना ठीक है। यहाँ की टेंशन मत लेना। क्या टेंशन, ठंड में करिए, ठंडा लग करी है। हाँ, लोगों के ना अंदर बातें चल रही है और मेरी सासू जी ना डर भी रही है ऑपरेशन से। लगता ही है डर, ऐसा नॉर्मल चीज नहीं है, ऑपरेशन है। और मेरी मायके वाली मम्मी का भी ना इसी चीज का ऑपरेशन हुआ है, तो वो ना मेरे मायके वाली मम्मी से पूछ रहे हैं कि आपको कितने साल हो गए, दर्द वगैरह होता है या कुछ भी चीज है। आते टाइम ना घर से मम्मी रो भी रही थी क्योंकि आने वाले दिनों में ना त्योहार भी है और त्योहार में ना हमारे घर पे चाबी लगी रह रही, हमारी एक मजबूरी है। अगर मैं वहाँ रुक भी जाती तो मैं अकेले ना महक को नहीं संभाल पाती, इसी वजह से ना मम्मी लोग मुझे यहाँ पे छोड़ने आए। अच्छी है हिम्मत वाली, रोते नहीं। हाँ बस थोड़ा सा मम्मी की वजह से हो रहा। कोई बात नहीं यार, होता चलो ठीक है फिर। फिर से बाया हाँ। जाओ हाँ। चलो फिर कॉल करना। मम्मी भी चले गए हैं हल्द्वानी ऑपरेशन के लिए, तो मैं भगवान जी से ना यही प्रे करती हूँ कि मम्मी का ऑपरेशन वगैरह ना सही से हो जाए। तो मैं भी ना महक के पास चलती हूँ, उसको फीडिंग वगैरह करवानी है। उसके पास ना मैंने भी दीयू को छोड़ रखा है, फिर उसके ना सुला देती हूँ। महक यहाँ पे ना अपने नाना जी के गोद में चले गई है और मस्त करके यहाँ पे पापा को देख रही है। यहाँ पे एक जो महक है और 3 लोग उसके पीछे लगे हुए है। क्यों ऐसा, मुझे क्या पता। महक को तो यहाँ पे पापा ने गोद में ले लिया है और महक ना अपने नाना जी के साथ यहाँ पे मस्त बात कर रही है, तो इसे ना बातें करने देते हैं। मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। मम्मी लोगों ने यहाँ पे ना महक के पाँव के छाप भी लिए हैं, यानी कि हमारी लक्ष्मी जी के। तो अब इसको ना फ्रेम में डालेंगे बाद में। इसमें 3 उंगली आए मेरे घर पे, लक्ष्मी पता रखी लक्ष्मी आई है मेरे घर पे। चलिए जी, अभी महक भी सो गई है और इसे मैंने ना अभी अंदर ना बेड पे ही सुला रखा है। अभी तक ना यहाँ पे ड्रग नहीं है, तो मम्मी ना ड्रग लेने के लिए गई है यहाँ पे ना, मतलब जो पहले छोटा बच्चा था ना उसका ड्रग है। तो अभी ना मम्मी उसी का ड्रग लेने गई है, फिर उसके बाद ना महक को उसमें रख देंगे। मम्मी महक के लिए ड्रग लेने गई थी, तो महक का ना ड्रग भी आ गया है और अब महक ना इस वाले ड्रग में रहेगी। अभी मैंने यहाँ पे महक के सारे कपड़े निकाल लिए हैं, तो वहाँ से ना मैं दोनों सूटकेस में कपड़े लेके आई थी, तो दोनों सूटकेस में ना कपड़े मिक्स हुए थे, कम्बल वगैरह भी, पजामे वगैरह भी। तो अभी ना मैं कपड़ों को अलग अलग रख लेती हूँ। ना महक का सामान रखा जा रहा है, इसे इस साइड रख क्योंकि ये ना काफी कम यूज करती हूँ मैं, जब बारिश वगैरह होती है पजामे नहीं सूखते हैं तब इसे यूज किया जाता है। जितने में मैं इसका सामान संभाल रही थी इतने में ना चंदा भी स्कूल से आ गई है, तो पापा ने ना उसे ना लाइटर वगैरह दे दिया है। तो अब ना जब भी बाहर से आएंगे ना तो आग वगैरह टच करके आएंगे। पेपर का अच्छा गया, अच्छा गया,
अच्छा चंदा ने घर आते ही ना यहाँ पर ना क्लास लेनी स्टार्ट कर लिया। कौन सी क्लास ले रही? गुब्बारे नहीं फिलाए, क्या क्या किया बस ना। चंदा की ड्यूटी यहाँ है महक को देखने की। एक और पेपर बचा है और उसके बाद इसकी ड्यूटी रहने वाली है हमेशा महक को देखने की। महक ना अभी उठी है इसलिए ना वो चंदा को नहीं देख रही है। और दीयू बोलो तेरा तो मुंह ही नहीं देख रही, हमें तो अच्छी से देख रही थी। हैं दीयू ऐसा हो रहा था। पापा ना यहाँ पे ये भी लेके आए थे और इससे ना महक लिखा था फुला के, तो जो ए थे ना वो फूट गए थे, यानी कि मतलब ना फ्यूज टाइप के हो गया, उनसे हवा निकलने लग गई है। तो हम लोगों ने इतना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, लेकिन चंदा के पास ना इन चीज़ों में बहुत दिमाग है। जो हम नहीं सोच पाते ना वो चंदा सोच लेती है। तो चंदा ने अभी चेक किया क्या क्या किया इन्होंने कैसे किया करके, और चंदा ने ये नीचे निकाल दिया है। और चंदा बोली बच्चा भी तो क्या देखो बल, क्या बच्चा है? KMRH। क्या क्या है इसका मतलब? कार्तिक महक हीना। ये तो हमारे बस एक आ गया एक गायब हो गया। और ए मिस्टर जी के उसमें भी आता है, मेरे उसमें भी आता है, महक के उसमें भी आता है, बट ऐसे करके भी महक हो ही रहा है। ये देखो MHK ना, महक शॉर्टकट में बोले तो MHK हो रहा है मोहक। तो दिन के 1:30 बज चुके हैं और अभी लंच का समय भी हो गया है। तो अभी तक हम लोग ना चंदा का वेट कर रहे थे स्कूल से आने का, तो अभी चंदा भी आ गया। जब तो हम लोग ना लंच कर लेते हैं। आज का लंच ना पापा ने बना रखा है। तो दीयू मुझसे बोली ना तूने तो ना काफ़ी टाइम से पापा के हाथ का खाना नहीं खाया होगा करके। तो मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया पापा के हाथ का खाना नहीं खाया है। तो आज का लंच ना पापा ने बना रखा है, और पापा ने लंच में बनाया है झोली, जो कि ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। पापा ने खाना भी परोस लिया है। तो अब हम लोग ना पापा के हाथों का टेस्टी सा लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। मम्मी और पापा यहाँ पर महक के लिए डोका रेडी कर रहे हैं। तो डोका तो हमारे पास था, पर जो उसके ऊपर में जो लकड़ी होती है ना वो उसमें नहीं है, जिस वजह से ना कंबल उसके मुंह पर आ जा रहा है। तो अभी मम्मी पापा वही लगा रहे हैं। महक को नहला भी दिया है, और नहलाने के बाद ना महक को सुला भी दिया है। तो आज महक को ना मेरे पापा ने सुलाई, यानी कि महक के नाना जी ने। नींद आ गई तो उसे ना मस्त सी नींद आ रखी है। और मम्मी लाओ मैं डॉग में रखती हूँ बोलते, पापा बोल रहे तेरा क्या भरोसा तू उठा भी सकती है बल मम्मी को। तो पापा ना खुद डॉग में रखने जा रहे हैं। हम लोग ना महक को इस वाले रूम पे सुला रहे हैं, क्योंकि ना उस वाले रूम पे ना लोग आते जाते रहते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे ना वो आराम से सो सकती है। क्या हुआ मम्मी क्या होना है? तेरे पापा कड़ा मैं सुलाता हूँ उसको आराम से, तेल तू उठाएगी, वो तो वैसी उठ गई। कहा है ये? क्या हुआ? सोएगी सोएगी सोएगी, टाइम लगेगा, थकान से वो खुद ही सो जाएगी उसके बाद। उसको भी पता है ना, तो भी कर यार मैं अपनी नानी के वहाँ आई हूँ, अच्छी तरफ देखती हूँ नानी का घर कहिए एक बार। शाम के 5 बज चुके हैं और बाहर ना अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है और साथ में ना बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो हम सभी लोग ना अभी अंदर रूम पे बैठे हैं, और रूम पे भी ना अंधेरा हो रखा है क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है, और साथ में ना नेटवर्क भी चले गए हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो गोल्डी को भी हम लोग ना यहाँ पे रूम पे लेके आ गए हैं, और यहाँ पे से ये मस्त पापा को भी देख रहा है, मम्मी को भी देख रहा है, और साथ में चंदा को भी। तो इसकी नज़र ना सब पे ही सोच रहा हूँ मुझे कब देंगे चाय पिएगा। तो भी बारिश की वजह से अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा वाला हो गया है, और अभी भी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी वाली हवाएं चल रही हैं। तो मैं अभी चलती हूँ अब किचन पे और ना खाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ना अभी लाइट आ चुकी है, तो लाइट में ना थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते हैं, और उसके बाद ना लाइट का कोई भी भरोसा है नहीं। अभी यहाँ पर ना खाने की तैयारी करने लगी है, और अभी लाइट जाती है करके ना ये मसाले पीस के पहले ही रख ले रही। चलिए जी अब हम लोग भी खाना बना लेते हैं, और आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं। तो आज ना मायके में मेरा पहला दिन था, और मायका भी फर्स्ट डे था ननिहाल पर। तो जो चीज़ें भी हुई मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, बाकी आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें होंगी ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगी। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं नू मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।